स्टाइलो फैम, आप सबका आपके अपने चैनल ब्यूटीशियन स्टाइलो कुदरत पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त कुदरत। तो गाइज, आज ये मैंने जो आई लुक किया है ये काशी इंस्पायर्ड आई लुक है। तो गाइज, आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलो गाइज, देख लेते हैं कि ये लुक हमें कैसे क्रिएट करनी है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं काइली के पैलेट में से ये वाली लाइट सी शेड ले रही हूँ। तो कोई भी आपके पास मिलती जुलती शेड हो आप यूज़ करें। इसके साथ क्या होगा कि जो मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगी। तो बहुत ही हल्का सा आपको इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं एले गर्ल का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं इस तरह अपने आई लिड पर पहले ब्रश की हेल्प के साथ इसको अप्लाई करूँगी, साथ साथ ही मैं इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। तो आपको पता है कि वो जो काशीज हैं वो अपने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनकी अपनी एक ब्रांड है। तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ बहुत आसानी से आप ये मेकअप कर सकते हो। अब कारा ब्यूटी के पैलेट में से ये ब्लैक शेड ले रही हूँ। आपके पास जिस पैलेट में भी ब्लैक शेड है आप यूज़ करें। पहले मैं इसके साथ जेल लाइनर को सेट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो हार्श लाइंस हैं वो ना रहें। आपको पता है कि ब्लैक शेड के साथ या कोई भी डार्क शेड के साथ प्ले करना बिट डिफ़िकल्ट होता है, तो बहुत ही केयरफुली आपको इसे लगाना है और ब्लेंड करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने मैसी कर लिया तो उसके बाद इसको ठीक करना, ब्लेंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वेरी केयरफुली आप डार्क शेड्स को जो है वो अप्लाई करें। तो दूसरा, आपको पता है गाइस कि उनके पास जो है स्पेशल लाइट्स होती हैं। तो हमारे घर में जो हम मेकअप करते हैं उन लाइट्स का और उन लाइट्स के साथ बहुत डिफरेंस होता है, बट जो भी आई लुक होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो उसके बाद मैंने काइली में से ये वाला पर्पल ब्लू शेड लिया था और मैंने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया था, वो क्लिप थोड़ा मिस हो गया। अब मैंने सेम कारा ब्यूटी के पैलेट में से सिल्वर शेड लेकर उसको इनर कॉर्नर एंड इस तरह थोड़ा सा मैंने लगाया था। तो अब मैंने यहाँ पर एमएन का कंसीलर यूज़ किया है। थोड़ा सा मैं ब्रो बोन को अपनी को थोड़ा सा नीट कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया था अगेन सेम हाइलाइटर। तो हाइलाइटर को मैंने अपने ब्रो बोन पे थोड़ा सा अप्लाई किया था, वही जो मैंने कारा ब्यूटी से सिल्वर शेड लिया था इस तरह। तो ये है फाइनल लुक गाइस। मैंने आपको एक ही आई का जो है वो मेकअप दिखाया है, लेकिन अगर आप फुल मेकअप देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो ही मैं फुल फेस मेकअप आपको दिखाऊँगी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये आई लुक? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। जितनी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है उतनी आपकी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही है। प्लीज़ मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी गाइस। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।